कहते हैं जब आप किसी खेल के मैदान पर उतरते हैं तो उसमें किसी जात पात धर्म समुदाय की बात नहीं होती है। आप एक खिलाड़ी के रूप में उतरते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। इस समय इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है और उसकी मेजबानी भी भारत कर रहा है। ऐसे में जो सबसे इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है वो है दानिश कनेरिया का बयान। जी हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, यानी कि दानिश कनेरिया के धर्म परिवर्तन पर दिए बयान ने एक बार फिर क्रिकेट जगत में तहलका मचा कर रख दिया है। वैसे पाकिस्तान में कई गैर मुस्लिम खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक समय सनसनी मचा कर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया, जो अपने बयान को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। दानिश ने एक बार फिर पाकिस्तान टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कनेरिया ने अहमद शहजाद का पुराना वीडियो शेयर करके बताया कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक हिंदू होने या धर्म को लेकर खराब बर्ताव होता था और उन्हें लगातार धर्म परिवर्तन के लिए उसकाया जाता था। दरअसल जो वीडियो दानिश कनेरिया ने शेयर किया है उसमें 2014 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एक मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने श्रीलंका के क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशान को इस्लाम अपनाने के लिए कहते हुए देखे गए हैं। वह दिलशान से कह रहे हैं कि अगर आप इस्लाम अपना लेंगे तो वो सीधे स्वर्ग जाएंगे। यही वीडियो शेयर कर कनेरिया ने एक बार फिर क्रिकेट जगत में तूफान खड़ा कर दिया। दानिश कनेरिया टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान के स्पिनर हैं। इस लेग स्पिनर ने पाकिस्तान के लिए कुल 61 मैचों में यानी कि 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेट लिए। कनेरिया ने 8 एकदिवसीय मैचों में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया जिसमें उनके नाम 15 विकेट दर्ज रहे। आपको बता दें कि दानिश पाकिस्तान के खेलने वाले दूसरे एवं आखिरी हिंदू क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले केवल दानिश कनेरिया दूसरे हिंदू क्रिकेटर हैं, लेकिन पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में कई ऐसे हिंदू, सिख और ईसाई खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट में अपना नाम कमा चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अनिल दलपत दानिश कनेरिया के चाचा थे, वो पहले हिंदू खिलाड़ी थे। 20 सितंबर 1963 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची में जन्मे अनिल दलपत का कमाल के विकेटकीपर रहे। वह पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले हिंदू क्रिकेटर रहे। दलपत उन विकेटकीपरों में से एक थे जिन्हें वसीम बारी के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान टीम में मौका मिला। 1983-1984 में कराची में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण मैच में दलपत ने अब्दुल कादिर की फिरकी गेंदों का बखूबी सामना किया। अनिल दलपत ने उस समय डेब्यू टेस्ट मैच में बल्ले से भी अहम योगदान दिया था। मुकाबले में 66 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान के 40 रन पर 6 विकेट गिर गए थे। ऐसे में दलपत ने नाबाद 16 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया था। अनिल दलपत ने पाकिस्तान के लिए कुल मिलाकर 9 टेस्ट और 15 वनडे मुकाबले खेले। दलपत ने टेस्ट क्रिकेट में 15.18 की औसत से 167 रन बनाए जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा। वहीं अगर बात की जाए वनडे इंटरनेशनल में वह सिर्फ 87 रन बना सके। टेस्ट मैच में दलपत ने विकेट के पीछे 25 शिकार यानी 22 कैच और 3 स्टंपिंग किए, जबकि वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम 15 शिकार यानी कि 13 कैच और 2 स्टंपिंग दर्ज है। अनिल दलपत दानिश कनेरिया के चाचा हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए अनिल दलपत के पूर्वज दशकों पहले सूरत से आकर कराची में बस गए थे। अनिल दलपत ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 17 अक्टूबर 1986 को पेशावर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। दलपत ने 137 फर्स्ट क्लास मैचों में 2556 रन बनाए जिसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने विकेट के पीछे 430 शिकार किए। आप सोच सकते हैं ऐसा प्लेयर जो 430 शिकार विकेट के पीछे किया हो। क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद दलपत कनाडा चले गए जहां उन्होंने कोचिंग देना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने वहां पर अपना बिजनेस भी शुरू किया। दलपत ने साल 2002 में एक बयान दिया था, इमरान खान के कारण मैं उतना नहीं खेल पाया जितना कि मैं हकदार था। बिल्कुल सही आपने सुना, इस समय दानिश कनेरिया जो बयान दिए उसके पहले भी 2002 में दानिश कनेरिया के चाचा दलपत ने भी बयान दिया था कि मैं उतना नहीं खेल पाया जितना का मैं हकदार था। इमरान और मोहम्मद भाइयों के बीच झगड़े के कारण मुझे बलि का बकरा बनाया गया। अगर मुझे सही मौका दिया जाता तो मैं और खेलता।
अनिल दलपत के अलावा सिर्फ 6 ऐसे गैर मुस्लिम क्रिकेटर रहे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व किया। इनमें दानिश कनेरिया के भी नाम शामिल है, जो रिश्ते में अनिल दलपत के चचेरे भाई लगते हैं। अनिल के अन्य दो चचेरे भाई भरत कुमार और महेंद्र कुमार भी पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप पिच पर उतरते हैं, जब आप खेलना शुरू करते हैं कोई देश हो, तो उसमें किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म को, किसी जात पात को मिटाकर आप वो मैच खेलते हैं या वो खेल खेलते हैं। अगर ऐसे में दानिश कनेरिया की ये बयान सामने आया, उन्होंने वीडियो शेयर किया है, तो ये वाकई में पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।